गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो, आज मैं क्रिएट करने जा रही हूँ डेविल एंड एंजल मेकअप। आपके राइट साइड में जो है वो है डेविल मेकअप एंड आपके लेफ्ट साइड में जो है वो है एंजल मेकअप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लगाएंगे हम प्राइमर, हमारे फेस को पूरे प्राइम कर लेंगे और उसके बाद लूँगी मैं यहाँ पर NYB का कंसीलर और बहुत अच्छा कंसीलर है। मैं मेरी आईलिड्स पे पहले कंसीलर अप्लाई कर लूँगी और पूरे आईलिड्स पे कंसीलर अप्लाई करके अपनी ब्रो पे भी अप्लाई कर लूँगी, जिससे मेरी जो ब्रो है वो डिफाइन में दिखेगी। उसके बाद ब्लेंडर लेके अपने आईज को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्लेंडर लिया है बिकॉज स्मॉल ब्लेंडर से ब्लेंड करना बहुत ईजी रहता है। एंड देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से सेट करने के लिए यहाँ पे मेबलिन का पाउडर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने आईज़ को अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करना नेसेसरी है जिससे केकी ना दिखे हमारी आईलिड्स। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रो जेल अप्लाई करूँगी और एंगल ब्रश से लेके अपने ब्रो को फिल कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं ब्रो जेल लगाने के बाद मेरी आईलिड्स कितनी ज़्यादा सही दिखने लग गई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राउन शीट पिक करके ब्लेंडिंग ब्रश से अपनी क्रीज को डिफाइन कर लिया है। मैंने थोड़ा हेल्प हैंड की हेल्प भी ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे रेड आई शेडो लेके अपनी आईलिड्स पे लगाना प्लेस करना शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ क्रीज तक ही आईलिड्स पे लगाऊंगी और इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं उसके बाद मैं लूँगी यहाँ ब्लैक शेड कलर का आई शेडो एंड देन उसको जो आउटर कॉर्नर पे है उसको वी में ड्रॉ करके और मेरी ब्लेंडिंग शुरू करूँगी। सो आप देख सकते हैं मैं इसको क्रीज तक लेके जाऊँगी, मतलब इनर कॉर्नर तक। एंड मैं थोड़ा डैबिंग फॉर्म में लगा रही हूँ। पहले लाइट आई शेडो पिक करें, मतलब कम आई शेडो पिक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आप ज़्यादा आई शेडो लें तो उससे आप अच्छा लगेगा आपका आई शेडो, वरना ब्लेंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो आप देख सकते हैं मैंने आईलिड्स तक इनर कॉर्नर तक अप्लाई कर लिया है और मैं बहुत थक चुकी थी इसके बाद बिकॉज इसको करने में बहुत टाइम लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर लगा लिया जहाँ मैंने रेड कलर लगा रखा था, उस कंसीलर के ऊपर मैं रेड आई शेडो लगाऊंगी। सो आप देख सकते हैं कि उससे है ना ज़्यादा आई शेडो जो है वो उभर के आएगा बिना सेट करे हुए। उसको मैं आई शेडो ब्रश लगा लूँगी। सो आप देख सकते हैं मेरा आई शेडो कितना ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है। उसके बाद मैं जितना भी फॉल आउट होगा उसको मैं वेट वाइप की हेल्प से रिमूव कर दूँगी। सो आप देख सकते हैं और उसके बाद मैंने इनर आउटर लाइन पे भी जो लोअर लैश होती है हमारी उस पर मैंने ब्लैक आई शेडो से लाइनिंग कर दी है। सो आप देख सकते हैं मेरी आईज और मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लूँगी एंड मेरे फॉल आउट और हो गया था तो मैं उसको बाद में भी रिमूव कर लूँगी। कर लिया है मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का, इट मीन्स बिल्कुल सिल्वर कलर का आई शेडो ले लिया है। इसमें मैंने कोई क्रीज डिफाइन नहीं करी है एंड जस्ट एंगल में उसको बना लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू शेड जो लाइटिश ब्लू आता है उसको लेके अपने आउटर वी पे एंड इनर वी पे अप्लाई कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं इनर कॉर्नर्स पे भी मैंने ब्लू शेड अप्लाई कर दिया है। सो ये बेसिकली ये मेकअप एक तो थोड़ा सा हमारा डेविल साइड दिखाने के लिए एंड थोड़ा सा एंजल साइड दिखाने के लिए है। सो जो आपके राइट में है वो है डेविल साइड एंड जो आपके लेफ्ट में है वो है एंजल साइड। दो टाइप होते हैं हर इंसान के अंदर, तो इसमें भी वही दो ही टाइप दिखाए गए हैं। और इसको मैं फाउंडेशन को लगा के अपने फाउंडेशन सेट कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पे जो उसका फाउंडेशन लिया था एंड इसके अंदर मैं ब्लश लगा लूँगी एंड देन मैं आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सो आप मेरे आईलाइनर देख सकते हैं, मैंने फॉल्स आईलैशेस लगा ली हैं, ऑफ कैमरा लगा ली हैं बिकॉज ऑन कैमरा तो लगाना बहुत इम्पॉसिबल ही होता है बिकॉज उसको बहुत टाइम लगता है। एंड इफ़ अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आपको मैं ज़रूर लाऊंगी। तो उसके बाद मैंने इनियन का मस्कारा लगा लिया है। मैंने यहाँ पे स्टिक हो की मिनी लिपस्टिक ली हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपको रिव्यू भी दिखाऊंगी इसका। तो आप देख सकते हैं बहुत मिनी एंड बहुत क्यूट एंड बहुत पिगमेंटेड लिपस्टिक्स हैं। मैंने दोनों साइड अलग अलग शेड्स लगाए हैं एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइनर लेके अपने फेस पर हल्का सा ड्रॉ कर लिया है बिकॉज थोड़ा सा इसको और भी ड्रामेटिक दिखाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लू शेड लिया है एंड देन अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है एंड देन हाइलाइटर ले लूँगी मैं पिंक कलर का एंड अपनी नोज पे भी अप्लाई करूँगी, मतलब लोअर लिप अपर लिप्स पे। और इधर पिंक इसलिए लिया है बिकॉज
of course angel side, and इधर golden इसलिए लिया है because of course devil side. So you can see कि मतलब कितना प्यारा लग रहा है. So I hope you like this video. If you like this video, please click on the like button. Please subscribe to my channel. Please click on the bell icon so that you will be notified for all of my videos. Thank you.